है गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रेडमी पैड प्रो एंड रेडमी पैड प्रो 5G के बारे में बताने वाला हूँ। ये दोनों पैड जो है वो इंडिया में लॉन्च किए गए हैं और इसका सेल जो है वो 2 अगस्त को जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पैड्स हैं उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं। स्पेक्स क्या क्या दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कौन सा आपको परचेस करना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में इन डिटेल बताऊंगा। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज से। तो दोनों ही टैब में आपको 12.1 इंच का 2.5K LCD डिस्प्ले मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। 240Hz टच सैम्पलिंग मिलेगा, डॉल्बी विजन का सपोर्ट, 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है आपको, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 8MP का फ्रंट कैमरा, 8MP का रेयर कैमरा और स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का सपोर्ट आपको दोनों ही मिलता है। रैम एंड रोम वेरियंट में डिफरेंस है। रेडमी पैड प्रो में आपको जो है वो 6GB रैम एंड 128GB रोम मिलता है। रेडमी पैड प्रो 5G में आपको 8GB रैम एंड 6GB रोम का सपोर्ट मिलेगा। दोनों में आपको 4 स्पीकर मिलता है जिसके साथ आपको डॉल्बी एटमॉस एंड हाईरिस ऑडियो का सपोर्ट मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक, 10,000mAh का बैटरी, 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। एंड रेडमी पैड प्रो में आपको जो वो सिर्फ और सिर्फ वाईफाई मिलने वाला है। इसमें आपको सिम लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया, बट रेडमी पैड प्रो 5G में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है और हाइब्रिड सिम, जिसमें आप जो है वो सिम लगा पाएंगे और दोनों 5G सपोर्टेड रहेंगे। दोनों ही में आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही में ब्लूटूथ 5.2, HyperOS जो है आपको दोनों में मिलेगा, OS Android 14 आपको दोनों में मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। 2 crore ऑप्शन के साथ ये आता है। एंड जो प्राइस डिफरेंस है वो 3000 का है। Redmi Pad Pro का जो प्राइस है वो है 19,999 एंड Redmi Pad Pro 5G का प्राइस है 22,999। सो गाइस, इन दोनों में जो है वो 2 डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला रैम एंड रोम वेरिएंट में। Redmi Pad Pro में आपको 6GB रैम एंड 128GB रोम मिलता है। Redmi Pad Pro 5G में आपको 8GB रैम एंड 256GB रोम का सपोर्ट। एंड जो दूसरा डिफरेंस है वो है वाईफाई वेरिएंट में। Redmi Pad Pro का जो वेरिएंट है वो वाईफाई वेरिएंट होने वाला है, बाकी सब कुछ सिमिलर है, बट इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वाईफाई एक्सेस मिलने वाला है, सिम लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन जो Redmi Pad Pro 5G जो है उसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है। आप 2 सिम लगा सकते हैं, नहीं तो आप 1 सिम और उसके साथ आप जो है वो मेमोरी कार्ड जो है वो आप लगा पाएंगे। और यहाँ पे दोनों ही में 3000 rupees का प्राइस डिफरेंस है। सो गाइस, मेरा मानना है कि अगर आपको एक वाईफाई वेरिएंट चाहिए जिसमें आपके पास एक फोन है जिसके आप वाईफाई के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे वाईफाई वेरिएंट परचेस करें। और अगर आपको जो है वो सिम के साथ जो है वो सपोर्ट चाहिए जिसमें आप व्हाट्सएप वगैरह कॉल वगैरह कर सकें, तो यहाँ पे आप जो है वो वाईफाई वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, Redmi Pad Pro 5G के साथ जा सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर जरूर दूंगा।